हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइज एक्सरसाइज 6.1। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 6xyz माइनस 9xyw। इनमें से जो कॉमन आता है उसको बाहर निकाल लो। 6 और 9 में से किसके टेबल पे आता है? 3 पे, तो 3 बाहर आ गया, एक्स वाई। ठीक है, 3 2 6, तो 2 अंदर रह गया, एक्स वाई बाहर आ गया, तो जेड अंदर रह गया। माइनस 3 3 9, एक्स वाई बाहर आ गया, डब्ल्यू अंदर रह गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्यूब बी फोर माइनस 2a4 bq। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ए क्यूब बी क्यूब, तो इसमें से एक बी अंदर रह गया, माइनस 2। इसमें से एक ए अंदर रह गया क्योंकि क्यूब बाहर आ गया और बी क्यूब बाहर आ गया, तो ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² yz माइनस 4xy² z प्लस 6xyz². इनमें से अब जो छोटे पावर्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, जो बाकी रह जाएंगी वो ब्रैकेट के अंदर। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2, और x वाले में से सबसे छोटी पावर x है, y वाले में से सबसे छोटी y है, z वाले में भी z है, तो बाकी जो रह गया वो अंदर। तो क्या रह गया? x माइनस 2 2 4 y प्लस 2 3 6 और z, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 4p5q माइनस 6p4q² माइनस 8p3 qq। तो इनमें से क्या है छोटी पावर? ये सारे जाते हैं 2 के टेबल पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, और p की पावर सबसे छोटी है, p की पावर क्यूब, और q अकेला, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2 2 4 p² माइनस 2 3 6 p, 3 बाहर आ गया, 1 अंदर रह गया, और q माइनस 4 q², ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूब x² y माइनस 5a² x³ y² प्लस 10ax³। छोटी पावर है वो बाहर लिख लेंगे, छोटी क्या है? a सिंगल है इसमें, x², ठीक है, अंदर रह जाएगा a² y माइनस 5ax² प्लस 10x, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ax² y माइनस 5a² x³ y² प्लस 3ax³। इनमें से छोटी पावर बाहर निकाल लेंगे, तो छोटी क्या है? ax² तो इसमें से ax² बाहर आ गया, तो क्या अंदर रह गया? y माइनस, इसमें से एक a आ गया और 2x आ गए, तो रह गया 5। ए के बाहर आने के बाद ए के और एक्स 2 बाहर आ गए, तो एक एक्स वाई स्क्वायर सेम आ जाएगा, प्लस इनमें से ए बाहर आ गया, इसमें से एक्स 2 बाहर आ गया और एक एक्स रह गया, और साथ में रह गया ये 3, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3a4b³c² माइनस 12a² b⁴ c³ प्लस 21 a³b² c⁴। तो इसमें से छोटी पावर, सबसे पहले तो 3 छोटा है वो बाहर आ जाएगा, a की देखो इसमें 4 है, स्क्वायर है, क्यूब है, सबसे छोटी क्या है? a² वो बाहर आ जाएगा, b³b⁴b² सबसे छोटी क्या है? b² वो बाहर आ जाएगा, c² c³ c⁴ सबसे छोटी c² है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें से a² बाहर आ गया, b² बाहर आ गया, c² बाहर आ गया, एक b बचा और 3 भी बाहर आ गया, माइनस 3 4 12, a² बाहर आ गया, b में से 2 पावर बाहर आ गई, 2 अंदर रह गई, c में से स्क्वायर बाहर आ गया और एक c अंदर रह गया, प्लस 3 7 21, a की 2 पावर बाहर आ गई, एक अंदर रह गई, b² बाहर आ गया, c की पावर 2 बाहर आ गई, 2 अंदर रह गई, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 28p⁸q⁵ माइनस 48p⁵q⁸। इनमें से अब देखो सबसे छोटा क्या है?
किसके टेबल पे दोनों जाते हैं, तो ये दोनों जाते हैं फोर के टेबल में, तो फोर कॉमन आ जाएगा। पी की पावर इसमें एट है, इसमें पी की पावर फाइव है, तो छोटी क्या है, पी की पावर फाइव, तो वो लिख लेंगे। इन दोनों में से क्यू की पावर फाइव, क्यू की पावर एट, छोटा क्या है, क्यू की पावर फाइव, वो बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचा, फोर सेवन ज़ार 28, पी की पावर थ्री माइनस फोर के टेबल में 12 पे, फोर ट्वेल्व ज़ार 48, पी की पावर फाइव बाहर आ गई, क्यू की पावर फाइव बाहर आ गई, और अंदर आएगी क्यू की पावर थ्री। ये अपना आंसर।